मोहब्बत, प्यार, लव, सम ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड्स इन अ रिलेशनशिप. कितना आसान है अपने स्पाउस को कहना दैट आई लव यू, और कितने कम लोग हैं हु लिव अप टू दिस स्टेटमेंट. अगर कोई पूछे कि क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं, कैन यू प्रूव इट, कि आप अपने स्पाउस से कितना मोहब्बत करते हैं, तो क्या जवाब होगा, क्या मेजरमेंट होगी, किस तरह से साबित करेंगे कि दैट यू रियली लव योर स्पाउस. आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि आप एक लम्हे में उसको साबित कर सकें. आपने एक जिंदगी गुजारनी होती है, आपने एक दूसरे को एक मुश्किलात में देखना होता है कि कौन किस तरह से आपका साथ देता है. जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक या दो दिन में कभी रिजल्ट नहीं देखने की उम्मीद रखते, लेकिन चूंकि आपको पता होता है कि आपने एक सही रास्ता पकड़ा है, तो आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिल जाएगा. इन द सेम वे, आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं जो अल्लाह सुभान व तआला ने आपके लिए हलाल की है, तो आप उसमें मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि अल्लाह सुभान व तआला ने आपके लिए एक हलाल जरिया रखा है अपने से करीब होने का. अल्लाह सुभान व तआला ने आपके लिए ये रास्ता रखा है जन्नत में जाने का, और इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला इतनी खूबसूरत तरीके से इस ताल्लुक को कुरान में फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो. दैट यू कवर ईच अदर्स फॉल्ट, यू फॉरगिव ईच अदर्स फॉल्ट, यू ओवरलुक, यू मूव फॉरवर्ड. आप जिंदगी में गिरते हैं, आप साथ चलते हैं, आप एक दूसरे का इंतजार करते हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. इसलिए वह इन तफू व तस्फाहू व तखफिरू, अगर तुम दरगुजर करो, माफ करो, एक दूसरे की गलती को ओवरलुक कर दो, सफा पलट दो, तो तुम्हारी रिलेशनशिप इसी तरह से चलती है. एंड दिस इज हाउ मैरिजेस आर मेंट टू बी, बिकॉज वी नो दैट वी आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, बिकॉज आर गोल शुड बी वन. आर गोल इज नॉट कि हम खाली इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद इस दुनिया के बाद भी इस ताल्लुक को लेके चलना है. मुश्किलात आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, एक दूसरे के साथ चीजों में मुश्किलात होंगी, बट वी कैरी ऑन बिकॉज हमारा गोल एक होगा. और अगर हमारा गोल एक नहीं होगा तो ये चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चलने में बड़ी दुश्वारियां होंगी. इसलिए वी नीड टू बी एबल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी ताल्लुकात कोई मूवीज की तरह नहीं है, किसी रोमांटिक सीन की तरह नहीं है. इट्स अबाउट द रियल लाइफ, वी आर फेसिंग चैलेंजेस इन आवर रियल लाइफ एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी आइडियल, बट वी नीड टू कैरी ऑन टुगेदर, वी नीड टू बी एबल टू वॉक द पाथ टुगेदर, वी नीड टू होल्ड द हैंड्स ऑफ आवर स्पाउसेस एंड बी एबल टू कैरी ऑन विद द डिफिकल्टीज, सपोर्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर. नेवर इज इट दैट हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट होगी, but we can only carry on when we forgive, overlook and be able to love our spouses even when we don't feel like loving them.